क्वेश्चन 2.10, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। यहाँ पे अपन को कुछ एग्जांपल दे रखे हैं और यहाँ पे अपन को सार्थक अंक की संख्या बतानी है। तो इसमें फर्स्ट है 0.007। तो अपन जानते हैं दशमलव से पहले शून्य और दशमलव के बाद गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो यहाँ पे ये 00 है, ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या हुई एक, सिग्निफिकेंट नंबर एक। सेकंड एग्जांपल है 2.64 × 10⁻²। अपन जानते हैं 10 की घातों को जब अपन निरूपित करते हैं तो उसको सार्थक अंक में नहीं काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या हुई तीन, एक दो तीन। नेक्स्ट है 0.2370 g/cm³। तो यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या देखते हैं, दशमलव के बाद गैर शून्य अंक के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक में काउंट होता है। तो ये जो शून्य है ये सार्थक अंक में काउंट होगा और यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या अपन को मिलती है चार। नेक्स्ट है 6.320। इसमें भी अपन देखते हैं दशमलव के बाद गैर शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या अपन को मिलती है चार, एक दो तीन चार। नेक्स्ट 6.032 N/m². यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या चार मिल रही है। दो गैर शून्य अंक के मध्य आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। तो यहाँ पे सार्थक अंक अपन को चार मिलते हैं। नेक्स्ट है 0.0006032। अब यहाँ पे दशमलव के बाद गैर शून्य अंक के पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होते हैं। तो ये जो तीनों शून्य हैं ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो सार्थक अंक की संख्या अपन को मिलती है चार, एक दो तीन चार।